47 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा ये सीखा कि तीन चीज पर डिपेंड करती है, वो आपका इंश्योरेंस सक्सेसफुल होगा, आपकी एजेंसी सक्सेसफुल होगी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल होगा, अगर तीन चीज को लेके चलते हैं। तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कम्युनिकेशन विथ लिसनिंग विथ रेपो बिल्डिंग, और तीसरा है नॉलेज, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, मगर नॉलेज तीन नंबर में आता है। तो लेकिन रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप, और मैंने एक अपना फॉर्मूला बनाया है कि आपका रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं होगा अगर आप तीन बातों को ध्यान देंगे। आज किसी को टाइम नहीं है लोगों से मिलने का, बात करने का, फादर को टाइम नहीं है बच्चों से बात करने का, बच्चों को टाइम नहीं है फादर से बात करने का, किसी को आज फैमिली गेट टुगेदर होती है, डिनर में बुलाया जाता है, बच्चे लोग मोबाइल देख रहे हैं, किनको परवाह नहीं है कि रिस्पेक्ट करें, दादाजी बुलाए हैं, नानी के यहाँ जगह हैं कि हम वहाँ जाके बात करें लोगों से, लेकिन वो मोबाइल में ही मस्त लगे हुए हैं। तीन चीज है जिसको कि आप दूर लेके एवॉइड करेंगे। स्टार्ट होता है सी से, सी माने नेवर 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 क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडम। बहुत लोग होते हैं सब 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 समय कंप्लेन करेंगे, पार्टी में जाएंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी कहीं भी जाएंगे, सब कुछ ठीक था, ये मिठाई स्वीट कम था, नमक ज़्यादा था, तो जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो काम नहीं करते हैं। ये तीन बातों को दूर रखिए, खास के हम लोग जो इंश्योरेंस में हैं, ये बहुत ऑलवेज एवॉइड सी, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडम, और तीन चीज को लेके चलना है। तीन चीज स्टार्ट होता है, तीनों ऑलवेज एक्सेप्ट एड्रेस अप्रिसिएट। अगर किसी की मैरिज होती है तो आप जब शादी हो जाती है, पहले वाट एवर आपको मिलती है स्पाउस, लड़का को लड़की या लड़के को लड़का, तो पहले एक्सेप्ट करिए उसको जो जैसा मिला, व्हाट वेदर सी, व्हाट टाइप ऑफ सी इज और ही इज, पहले एक्सेप्ट करिए, फिर एडजस्ट करिए, फिर अप्रिसिएट करिए। भगवान ने जितने भी लोगों को बनाया है सब अप्रिसिएबल है, भगवान ने जितने लोगों को बनाया है, देखिए दो जुड़वा भाई का भी नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी दोनों का अलग है। अगर किसी में आप देखते हैं कि अप्रिसिएबल कोई चीज़ है तो मस्ट अप्रिसिएट करिए, गलत सलत मत बोलिए, अगर सही में कुछ अप्रिसिएबल है तो उनको अप्रिसिएट करिए। तो ये बताया, रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो ये रिलेशनशिप हुआ हो गया, नॉलेज तो है ही है कि इंश्योरेंस में है तो नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। कम्युनिकेशन में का मतलब है कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर मोटिवेशन। हम पहले इन्फॉर्म करेंगे, आज हमने इन्फॉर्म किया अभी इंडिया में क्या हुआ, बजट आया उसमें बोला गया कि 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम अगले साल से जो भी देगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और तो ये हमको सबको बताना था, नहीं बताते तो बोलता नहीं बताया, सभी को बताया, पहले हमने इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद हमको मोटिवेट करना है, मोटिवेट भी ऐसा हमने किया, मैं तो अभी अभी एज हो गई, मैं केवल HNI से ही मिलता हूँ, ओनली HNI, दो या तीन, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, HNI से मिलता हूँ, NRI तो कभी कभी संभव होते हैं, कभी बाहर जाता हूँ, ये हमारा, जब बाहर जाता हूँ MDRT में, अभी दुबई होके आता हूँ, दुबई में भी जाता हूँ तो दो तीन कस्टमर बना के आता हूँ, 5-6 दिन वहाँ रह जाता हूँ उसने। और सब तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लिसनिंग। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरा बिजनेस समझे कि 90% बिजनेस आता है थ्रू लिसनिंग, एक HNI से भी, और इन केस ऑफ HNI बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर एक हम एग्जांपल देता हूँ, एक मिस्टर गुलाटी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एजेंट थे, हम आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने उनके लड़के को अप्रोच किया, बोला हमारे पिताजी ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, अगर वो कभी कभी दे एब्यूजेज द पर्सन, तो उसके बेटे बोलते थे मैं कभी कभी 2-4-500 पर मंथ एक्स्ट्रा सैलरी दे देता हूँ, क्योंकि उनको बोलता हूँ कि आपको गाली भी सुनना होगा कभी, मगर ही वॉज सो स्ट्रिक्ट, हमको बोला यू विल गेट 10 मिनट्स ओनली, इफ यू कन्विंस माई फादर देन आई विल बाय इंश्योरेंस फ्रॉम यू, आई वॉज रेडी, ही कॉल्ड मी द सीनियर पर्सन, ही सेड आई एम गिविंग यू ओनली 10 मिनट्स, आई सेड ओके सर वेरी फाइन। तो हमने वो हमको टाइम दिए, हमने उनको हमारा परिचय दो सेंटेंस में बता दिया, मैं इतने सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, मैं पहले प्रोफेसर था, मैं पहले फिजिक्स और मैथ पढ़ाया करता था, अभी इंश्योरेंस एजेंसी में हूँ, और आपके बारे में सर कुछ बताइए,
मैंने उनसे पूछा आप इतने बड़े जो बिजनेसमैन हुए हैं आप, वो बोले हम पाकिस्तान से आए हैं, जैसे हम लोग सिंधी आए हैं, पंजाबी थे हम, हमने बहुत, हम कैसा बहुत मेहनत किया होगा, आपका कैसे क्या राज है, इतना मेहनत किए हैं, मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर, आज आज फिलिप्स के बंगाल में सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा सेल्स होता है वो फिलिप्स का, और अभी और भी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है, हम कह कि आप कैसे बने, तो उनसे बोला, वो हमें आधा घंटा तक बोलते रहा, मैं सुनता रहा, सुनना माने बहुत लिसनिंग केयरफुली और एक्टिवली इफेक्टिवली, तो हम सुनते रहे, वो बोलता रहा, लास्ट में 40-45 मिनट हो गया, घड़ी देखने लगा, तो बोलता है कि मिस्टर दास हैव यू गॉट, कैन यू गिव मी 10-15 मिनट मोर, हमें 10 मिनट लेना था, 45 मिनट हो गया, वो छोड़ नहीं रहा, इस बीच उसने दूसरा कप और चाय भी मंगाया, तो उनको हम जो उनसे उनकी कहानी सुनने लगे, वो इतने खुश हो गए हमसे, बोले कि आप जरूर, हमने पहले दिन उनसे कोई भी इंश्योरेंस की बात ही नहीं की, हमने खाली कहा कि इंश्योरेंस में काम करता हूँ और कुछ नहीं कहा हमने, दूसरे दिन वो हमको बुलाए, टाइम भी दिया, और अभी भी हमें 30-40 लाख प्रीमियम, अभी तो एक्सपायर हो गए, उनके बेटे 40 लाख प्रीमियम पर ईयर हमें देते हैं, तो ये लिसनिंग का कमाल है, लिसनिंग, अगर बहुत लोगों को हमारे एजेंट लोग ज़्यादा बोलते हैं, बोलने ही नहीं देते हैं, वो पार्टी बोला, अब टेबल कुर्सी तो कभी नहीं बताना चाहिए, ये जीवन उमंग लीजिए, ये जीवन लाभ लीजिए, कभी नहीं, कंसेप्ट बताइए, वो अपने उसको आपको मालूम करना होगा उनको क्या चाहिए, और अगर आप लिसनिंग करते हैं, केयरफुल लिसनिंग करते हैं, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि क्या चाहिए, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने हमें बाद में टाइम दिया, वो ही वाज सो इंस्पायर्ड, और उनको उनको इतना अच्छा लगा, बोला जल्दी फिर कब मिल रहे हैं, फिर हम मिले उनसे, 2-3 बार मिले, हमने कभी बिजनेस भी नहीं मांगा, और ऑटोमेटिक बिजनेस आ रहा, तो बिजनेस ये अपनी इंश्योरेंस बिजनेस ऐसी है कि इट कम्स ऑटोमेटिकली इफ यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। HNI के बारे में हमने बताया, HNI जो होते हैं अदर देन नॉर्मल, अब जैसे नॉर्मल कस्टमर है उससे अलग है, इन्होंने इतना पैसा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये बोलेंगे अगर मर जाएगा तो तुम हमें कितना दोगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास इतना प्लेंटी ऑफ मनी भी है, तो उनसे कुछ दूसरी बातें करनी होगी, दूसरी बातें माने समथिंग एस देन द नॉर्मल थिंग्स, और मैं तो कहता हूँ, मैं सर न मैं आपको इंश्योरेंस बेचूंगा, न कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, मैं एडुकेट करूंगा, मैं प्रोफेसर हूँ, फिजिक्स मैथ का प्रोफेसर था, मैं आपको एडुकेट करूंगा, ये आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आए तो लीजिए, हमसे नहीं लीजिए कोई बात नहीं, भगवान की दया है, किसी से भी लीजिए, मगर एडुकेट करूंगा, सही एडुकेशन दूंगा, सही बताऊंगा, फिर आपकी मर्जी है, लेना है तो लीजिए, हमसे नहीं लेना है नहीं लीजिए, तो अपने आप बुलाते हैं, और मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता हूँ, आज तक कभी फोर्स नहीं किया, एक HNI को हम जाके बोलेंगे, अंबानी को या अडानी को, कि आप 50 करोड़ का पोस्ट, बोलिए 50 करोड़ में हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लेकिन उनसे ये सब बातें आप करेंगे, दूसरी भाई आपके आपको तो इतना रुपया कमा लिया, आप क्या चाहते हैं इसके बाद, क्या चाहते हैं आपके डेथ के बाद, आप क्या चाहते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, ये सब बातें उनको करनी होगी, उनको उनको कुछ बताना होगा, कुछ लोग देखेंगे टेम्पल पर इंटरेस्टेड है, भाई ठीक है आपको रुपया नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, आप ट्रस्ट के नाम में दे दीजिए कि ये मंदिर आपके नाम में चलता रहे, उसका मेंटेनेंस भी आपका नाम हमेशा के लिए रहेगा, उसके लिए आप इंश्योरेंस करा दीजिए, इंश्योरेंस में रखिए, ट्रस्ट बना के इंश्योरेंस में दीजिए, तो ये सब बातें उनसे करनी होगी, और नॉर्मल बात करने से कोई फायदा नहीं होगा उनसे, तो और दूसरी बात लिसनिंग पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, अगर ये हमारी गारंटी है, हमने देखा भी है, अगर हमें कोई 15-20 मिनट टाइम दे दिया हमें बात करने का, और हमने उनको बात किया, वो हमारी बातें 10-15 मिनट सुना, मैं उनकी बातें आधा घंटा सुनूंगा, और गारंटी है कि वो पॉलिसी हमसे लेगा, अब लोग कहते हैं कब आओगे मिस्टर दास आपके साथ चाय पीना है, बाय गॉड हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग अभी हम वो बोलते हैं मिस्टर दास बहुत दिन हो गया आपके साथ चाय पी हुए, और हफ्ते में 3 दिन तो समझिए मैं HNI के साथ ही लंच करता हूँ, वो बोलते हैं कि आपका लंच यहाँ मंगा लीजिए, मेरा भी लंच है, एक साथ ही शेयर करते हैं, अब एक साथ लंच करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस ऑटोमेटिक बोलते नहीं हैं, उनको तो मालूम है कि ये इंश्योरेंस का आदमी है, तो हम बिजनेस मांगते भी नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं, खाली हम कहते हैं सर हम एडुकेट करने आए हैं, हमारा काम एडुकेशन करना, भगवान की दया से बिजनेस काफ़ी आ रही, तो अपने आप दे देते हैं, अब भगवान देता भी है, बिजनेस दे भी रहा है, थैंक यू। DITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।